हाँ जी प्यारे बच्चों बताइए, चलिए अब परफेक्ट होगी साउंड। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए हर एक बच्चा एवरीवन। चलिए अभी साउंड परफेक्ट होगी। साउंड क्या अभी सही है मुझे बता दीजिए, क्या अभी साउंड सही है? चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। हर एक बच्चा कह रहा है साउंड पूरी जबरदस्त है। चलिए चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए हर एक बच्चा एवरीवन। तो यहां पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसकी आपकी क्लास है। यहां पे करंट अफेयर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। हर एक बच्चा जो भी करंट अफेयर यहां पे लिखवा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, हर एक करंट अफेयर जो है प्यारे बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं हम क्लास की। ठीक है, शुरुआत करते हैं अब हम हमारी क्लास की प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द 7th CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम ऑफ द ईयर 2019। जो 7th CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम हुई थी उसका वेन्यू क्या था, ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में मुझे यहां पे रिप्लाई करेगा। चलिए कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा, क्या वेन्यू था प्यारे बच्चों। चलिए चलिए जल्दी से बताइएगा अगर पता है। प्यारे बच्चों सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ई, वुहान चाइना। ई इसका राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, धनंजय कह रहे हैं ई है, रोहन कह रहे हैं ई है, नाहुश कह रहे हैं ई है, ओके। चलिए गौरव कह रहे हैं सी है। सुनिए सुनिए अब ये न्यूज है क्या, उसके बारे में अब बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों जो 7th CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम, ये वो गेम है, ये एक प्यारे बच्चों मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है जो मिलिट्री स्पोर्ट्स पीपल के लिए होता है। ये जो मिलिट्री वर्ल्ड गेम होती है, पहली बात ये याद रखना। दूसरी चीज,
ये जो सेवंथ CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम जो हुई थी, वो हुई थी जो वुहान का स्पोर्ट्स सेंटर है चाइना में, ठीक है, वुहान चाइना में, वहां पे ये मिलिट्री गेम हुई थी, दिमाग में रखिएगा। और प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट, अगर हम बात करें, फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो चाइना में हेल्ड हुआ है, और ये अकर होता है 4 साल में एक बार ये इवेंट जो है वो अकर होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा, हर एक बच्चा पता होना चाहिए आप सभी बच्चों को, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज डिक्लेयर एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एज पर द डाटा रिलीज बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये आपका क्वेश्चन है, कौन सी सिटी डिक्लेयर हुई है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो डाटा रिलीज हुआ है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ या इंदौर, बताइए ए बी सी डी ई में से क्या आंसर होगा, कमेंट करके जरा मुझे जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत शानदार आंसर आना स्टार्ट हो गया है। रोहन कह रहे हैं ए, नायुष कह रहे हैं ए, उसके बाद बी, ए ए, क्या बात है। चलिए स्पीड पकड़ लो प्यारे बच्चों, स्पीड पकड़ लो, क्या आंसर होगा, बहुत शानदार। ए बी, क्या बात है, ए बी हो गई है कमेंट सेक्शन में, बहुत शानदार। सुनिए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जो पांच मोस्ट, ये जो डाटा आया है प्यारे बच्चों, डाटा की बात करता हूं, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो डाटा रिलीज किया है, उसमें टॉप 5 सिटी में से, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, उसमें टॉप 5 सिटी में से 4 सिटी जो हैं वो यूपी की ही हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, जो डाटा रिलीज हुआ है उसमें जो 5 टॉप सिटी हैं, उसमें से 4 टॉप सिटी आपकी यूपी की हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है इस डाटा के द्वारा, वो है सी, वाराणसी। सी इसका राइट आंसर है, दिमाग में रखिएगा, वाराणसी इसका राइट आंसर है, जिसकी एयर क्वालिटी पाई गई है प्यारे बच्चों 276। ये बात दिमाग में रखिएगा। वाराणसी के बाद जो है वो है लखनऊ, वाराणसी के बाद है लखनऊ, उसके बाद है प्यारे बच्चों मुजफ्फरनगर, देन जमुनानगर हरियाणा में, देन मुरादाबाद, इस तरीके से एक रैंक है इसका। ये बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, आगे देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द प्लेस हैज क्रिएटेड द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रेन एटलस। ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आंसर बताइएगा। चलिए प्यारे बच्चों, कमेंट करके आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका, ए बी सी डी ई, जल्दी से बताइएगा। चलिए प्यारे बच्चों, पकड़ लीजिए स्पीड और आंसर बताइए हर एक बच्चा। चलिए प्यारे बच्चों, स्पीड पकड़ लो, आंसर बताओ क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा, या ई होगा आंसर। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, ए आंसर। चलिए एवरीवन, चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अनअकैडमी प्लस में मैं 8 मंथ के जून से लेके दिसंबर 2019 तक के करंट अफेयर बच्चों को नोट्स दिए हैं, पढ़ा रहा हूं। ये बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा। और इतने करंट अफेयर जो मैं अनअकैडमी प्लस में पढ़ा रहा हूं, इतने आपने अगर कर लिए तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो आप अनअकैडमी प्लस में आ सकते हैं, ये वाला जो कोड है स्टडी रेगुलर लाइव, ये वाला कोड आप यूज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है। स्टडी रेगुलर लाइव REGULAR 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। जो रिसर्चर हैं IIIIT हैदराबाद के, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद के जो रिसर्चर हैं, उन्होंने क्रिएट किया है इंडिया का पहला ब्रेन एटलस। किन्होंने, जो प्यारे बच्चों IIIIT हैदराबाद के रिसर्चर हैं, ठीक है, हैदराबाद के प्यारे बच्चों जो रिसर्चर हैं, उन्होंने क्रिएट किया है इंडिया का पहला ब्रेन एटलस। ये बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा, ठीक है। और ये जो रिसर्च है,
ये जो इनकी रिसर्च थी इसे पब्लिश किया गया था प्यारे बच्चों कहां पे, न्यूरोलॉजी इंडिया में जो एक जर्नल है वहां पे एक तरीके से इस रिसर्च को पब्लिश किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए हर एक बच्चे को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है रफाइल मराइनो ग्रोसी हु हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बिलोंग टू विच कंट्री, ये क्वेश्चन है फोर्थ का प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका फोर्थ का प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिएगा, फोर्थ का आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा हर एक बच्चा। चलिए चलिए धनंजय कह रहे हैं अर्जेंटीना, चलिए बहुत शानदार, बताइए हर एक बच्चा क्या आंसर होगा इसका। चलिए चलिए स्पीड पकड़ लीजिए प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, हर एक बच्चा डी ई अलग अलग आंसर। चलिए कितने बच्चे आंसर देते हैं जरा दीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करने में शर्माना मत और सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल भी मत शर्माना, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा इसका, चलिए बताइए डी ई, क्या बात है अलग अलग आंसर मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, सुनिए मेरी बात अब ध्यान से प्यारे बच्चों, जो रफाइल मराइनो ग्रोसी हैं वो इलेक्टेड हुए हैं प्यारे बच्चों न्यू डायरेक्टर जनरल किसके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं प्यारे बच्चों अर्जेंटीना से, कहां से बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से, ये बात दिमाग में रखिएगा। और ये अपॉइंट हुए हैं कितने साल के लिए, चार साल के लिए, कितने साल के लिए, चार साल के लिए, दिमाग में रखिएगा। अब प्यारे बच्चों यहां पे दिमाग में हमारे घंटी बजी कि एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका हेडक्वार्टर पता होना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों स्टैटिक से। इसका जो हेडक्वार्टर है प्यारे बच्चों वो है वाइना ऑस्ट्रिया में, कहां है वाइना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहां पे है वाइना ऑस्ट्रिया में, यहां पे हम स्टैटिक की भी बात करेंगे दिमाग में रखिएगा। चलिए जय हिंद, जय हिंद टू एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रफाइल मराइनो ग्रोसी। अब प्यारे बच्चों चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सामने देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th edition of, प्यारे बच्चों 13th edition of ICC under 19, 13th edition of ICC under 19 प्यारे बच्चों क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 इज होस्टेड बाय विच कंट्री, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए चलिए आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा इसका, चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा। चलिए चलिए जल्दी से क्विक एवरीवन, चलिए डी आंसर आ रहा है, चलिए चलिए डी, क्या बात है डी आंसर सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों, डी आंसर सबसे ज्यादा हर एक बच्चा आंसर देगा, चलिए क्विक, चलिए बहुत शानदार, डी आंसर सबसे ज्यादा, क्या बात है आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, डी आंसर सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है, 13th एडिशन जो आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था 2019, वो प्यारे बच्चों होस्टेड हुआ था कौन सी कंट्री के द्वारा प्यारे बच्चों, वो हुआ था साउथ अफ्रीका के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, साउथ अफ्रीका के द्वारा होगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, पता होना चाहिए आप सभी बच्चों को। और कब होगा ये होगा प्यारे बच्चों 17 जनवरी से लेके कब तक 9 फरवरी तक होगा, कब तक होगा प्यारे बच्चों 9 फरवरी 2020 तक होगा ये जो आपका अंडर 19 13th एडिशन होगा, ठीक है, पता होना चाहिए। और साउथ अफ्रीका सेकंड टाइम ये वर्ल्ड कप होस्ट करवा रही है, कितने टाइम सेकंड टाइम ये वाला वर्ल्ड कप होस्ट करवा रही है साउथ अफ्रीका, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट टाइम 1998 में साउथ अफ्रीका ने ये वर्ल्ड कप होस्ट करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनक्वाइट रिवर बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्र, बताइए कौन है इस बुक के ऑथर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर, चलिए चलिए क्विक एवरीवन,
चलिए प्यारे बच्चों बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, हर एक बच्चा आंसर देगा, चलिए स्पीड पकड़ लो प्यारे बच्चों। चलिए सिक्स्थ का आंसर बताइए क्या आंसर होगा, चलिए चलिए हर एक बच्चा आंसर देगा, जल्दी से दीजिए प्यारे बच्चों आंसर इसका। चलिए बहुत शानदार आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, हर एक बच्चा अलग अलग आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, चलिए बहुत शानदार ए आंसर, क्या बात है, कितने बच्चे ए के साथ चलते हैं, चलिए बताइए। चलिए चलिए बताइए प्यारे बच्चों कितने बच्चे कहते हैं ए होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से। देखिए प्यारे बच्चों, सुनिए प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है प्यारे बच्चों आपका, इसका राइट आंसर जो है वो है ए। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों वो है ए आपका, ठीक है, ये जो बुक है आपकी, ठीक है, इसका राइट आंसर ए है, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। अब प्यारे बच्चों ये जो बुक है लिखी गई है किसके द्वारा, अरूप ज्योति साइकिया के द्वारा, और इस बुक को प्यारे बच्चों पब्लिश किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों, इस बुक को पब्लिश किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, यह बात दिमाग में रखिएगा। और इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी जो वंशावली है, जिसे हम लाइनिएज भी कहते हैं, लाइनिएज का मतलब होता है जो इनहेरिट होता है, जो वंशावली जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, इसकी पूरी उस बुक में एक तरीके से स्टोरी बताई गई है, कैसे अगर हम बात करें इसमें जो ह्यूमन नॉन ह्यूमन का कैसे रिवर फ्लड लेन इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा बताया गया है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल देवस की सांस्कृतिक परंपरा रिलीज ड्यूरिंग द डिजिटल भारत डिजिटल संस्कृति इवेंट बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म मिस्टर प्रहलाद सिंह, जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से क्विक एवरीवन, चलिए चलिए जल्दी से, ओके पूजा कह रही है थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, चलिए फास्ट हो जाते हैं, नो इश्यू पूजा, चलिए बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइएगा हर एक बच्चा इसका आंसर। चलिए प्यारे बच्चों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है जीवन सिंह ठाकुर, क्या है ए इसका राइट आंसर है जीवन सिंह ठाकुर, दिमाग में रखिएगा, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह, ठीक है प्रहलाद सिंह, उन्होंने इनोग्रेट किया था प्यारे बच्चों सीसीआरटी का ई पोर्टल। अब सीसीआरटी क्या है, सीसीआरटी आपका सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, इसका ई पोर्टल और यूट्यूब चैनल इसे लॉन्च किया गया था, दिमाग में रखिएगा, जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया था जो इवेंट हुआ था डिजिटल भारत डिजिटल संस्कृति का, उसे सपोर्ट किया था उस टाइम उन्होंने इसका पोर्टल और एक तरीके से यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया था, और इसी इवेंट के दौरान जो बुक थी दिवस की सांस्कृतिक परंपरा इसे भी रिलीज किया गया था इस इवेंट में प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, दिमाग में रखिएगा, और उसके जो ऑथर हैं वो है जीवन सिंह ठाकुर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिए, नेक्स्ट नेम द सीओ, नेम द सीओ प्यारे बच्चों, नेम द सीओ, ये एट्थ क्वेश्चन है, हु टॉप अमंग द इंडियन ओरिजिन सीओ एंड रैंक सिक्स ग्लोबली इन द बेस्ट परफॉर्मिंग सीओ इन द वर्ल्ड 2019, लिस्ट प्रिपेयर बाय हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, जल्दी से बताएगा क्या आंसर होगा इसका, ए बी सी डी, जल्दी से बताएगा, सुंदर पिचाई, इंद्रा नोए, सत्यनंदेला, सतंशु नारायण, अजय पाल बांगा, क्या आंसर होगा इसका, चलिए प्यारे बच्चों चलिए जल्दी से बताइएगा एट्थ का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, सुनिए प्यारे बच्चों एट्थ का जो आपका राइट आंसर है वो है प्यारे बच्चों शांतनु नारायण, दिमाग में रखिएगा, जो सिक्स्थ रैंक आया है ग्लोबली बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ इन द वर्ल्ड वो है शांतनु नारायण, जो सीईओ है कौन सी कंपनी के, सीईओ ऑफ अडोब, अडोब जो कंपनी है उसके प्यारे बच्चों सीईओ है, दिमाग में रखिएगा, इनका जो रैंक है वो है सिक्स्थ, ठीक है पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो है अजय पाल, कौन है अजय पाल सिंह वांगा, ये किसके सीईओ हैं, ये सीईओ हैं मास्टर कार्ड के, किसके सीईओ हैं मास्टर कार्ड के, और उसके बाद जो रैंक है वो है सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, किसका, उसके बाद है सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, दिमाग में रखिएगा, और इस लिस्ट में जिसने टॉप किया है वो है जो
निवीडिया, जो आपका ग्राफिक का आता है ना सॉफ्टवेयर निवीडिया, उसके जो सीईओ हैं, ठीक है, जैमन होंग, इस तरीके से उनका नाम है, उन्होंने इसमें टॉप किया है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड फॉर 2019 इन न्यू दिल्ली। बताइए, फर्स्ट एडिशन जो था नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड फॉर 2019 न्यू दिल्ली, किसने प्रेजेंटेड किया? नाइन्थ का आंसर दीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, नाइन्थ का आंसर क्या होगा, स्पीड पकड़ लेना प्यारे बच्चों। चलिए चलिए, हु प्रेजेंटेड, किसने प्रेजेंटेड किया फर्स्ट एडिशन? देखिए प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट एडिशन था वो प्रेजेंटेड किया गया था, दिमाग में रखिएगा, इसका राइट आंसर है रामनाथ कोविंद, बी इसका राइट आंसर है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, उन्होंने कॉन्फर्ड किया था फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड, कहां पे? न्यू दिल्ली में। और यहां पे 19 विनर्स तीन कैटेगरी में प्यारे बच्चों सिलेक्ट किए गए थे। तीन कैटेगरी जो इसकी थी वो थी, एक तो कॉर्पोरेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ठीक है, एक था नेशनल प्रायोरिटी एरिया में अवार्ड, और एक था चैलेंजर अवार्ड। अगर हम बात करें सिंपल तो आपको पता होना चाहिए। और ये अवार्ड 528 एंट्रीज थी जिनके द्वारा, जिसमें से ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड, हु है अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड विद द अजोग रतन अवार्ड 2019 बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इन ए अवार्ड फंक्शन हेल्ड एट न्यू दिल्ली फॉर हिज वर्क इन ट्रांसफॉर्मिंग हाउ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, हर एक बच्चा आंसर देगा। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए जल्दी से एवरीवन। चलिए प्यारे बच्चों बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा आंसर देगा। चलिए चलिए क्विक एवरीवन, चलिए बताइए प्यारे बच्चों। चलिए हर एक बच्चा कमेंट में आंसर देगा, चलिए बताइए क्या आंसर होगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है ठाकुर अनूप सिंह, इसका जो राइट आंसर है वो है प्यारे बच्चों ठाकुर अनूप सिंह। ठाकुर अनूप सिंह जो एक तरीके से सीईओ हैं एंड चेयरमैन हैं मार्ग ईआरपी कंपनी के, मार्ग ईआरपी, इतनी बात दिमाग में, मार्ग ईआरपी, ठीक है। इनको कॉन्फर किया गया अधियोग रतन अवार्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी के द्वारा। ये फंक्शन कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया गया, जो इनका एक तरीके से जो इनका काम था एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने का अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी के द्वारा, उस चीज के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। दिमाग में रखिएगा, पता होना चाहिए आप सभी बच्चों को, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए 11th क्वेश्चन पे आइए। देखिए प्यारे बच्चों 11th क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए चलिए क्विक एवरीवन, ये 11th क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये देखिए, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर्म्ड बाय IRDI टू इवेल्युएट एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अप्रोच टू प्रमोट इनोवेटिव आइडिया टू फोस्टर ग्रोथ इन इंश्योरेंस सेक्टर। ये आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों बताइए कमेंट सेक्शन में जरा जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। चलिए चलिए क्विक एवरीवन, चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर बताइएगा हर एक बच्चा एवरीवन। चलिए चलिए बताइए प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है आपके 11th का जो राइट आंसर है वो है, दिमाग में रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो बॉडी है IRDAI, ठीक है, उन्होंने सेटअप किया प्यारे बच्चों 8 मेंबर की कमेटी। कितने मेंबर की कमेटी? 8 मेंबर की कमेटी को उन्होंने प्यारे बच्चों क्या किया? सेटअप किया। ये बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा। इन 8 मेंबर कमेटी को सेटअप क्यों किया गया था प्यारे बच्चों? इन 8 मेंबर की कमेटी को सेटअप किया गया था कि जितने भी जो किस तरीके से जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसे बढ़ाया जा सकता है इनोवेटिव आइडिया से। इस कमेटी को सेटअप किया गया था कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उससे इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करके किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और इस 8 मेंबर कमेटी के प्यारे बच्चों जो हेड थे, वो हेड थे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT बेंगलोर जो है, ठीक है, इसके जो डायरेक्टर हैं
जिनका नाम है एस सदा गोपन, वो इस कमेटी के क्या बने, हेड बने, ये बात दिमाग में रखेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है वो है एस सदा गोपन, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु विल प्रिसाइड ओवर द कमेटी ऑफ सेक्रेटरी फॉर्म्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू सजेस्ट मेयर टू मिटिगेट फाइनेंशियल स्ट्रेस इन टेलीकॉम सेक्टर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों आपसे कि उन पर्सन का नाम बताइए जो एक तरीके से हेड बने हैं, अगर हम बात करें जो कमेटी फॉर्म की गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये बताएगी कि टेलीकॉम सेक्टर में जो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसे मिटिगेट कैसा किया जाए। मिटिगेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी चीज को कम करना, किसी चीज को लेसन करना, ठीक है, डिक्रीज करना, किस तरीके से उसे कम किया जा सके। ऑप्शन आपके सामने है, ट्वेल्थ का आंसर प्यारे बच्चों मुझे बता दीजिए जल्दी से। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, चलिए प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। चलिए चलिए, वेट कर रहा हूं आपके आंसर की, जल्दी से बताइएगा हर एक बच्चा। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है राजीव गौबा। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों सी आपका, राजीव गौबा, ठीक है। प्यारे बच्चों जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो सेटअप की है कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज जो सजेस्ट करेगी कि टेलीकॉम सेक्टर का जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसे किस तरीके से कम किया जाए, तो उसके लिए जो कमेटी के हेड होंगे वो होंगे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ इसके जो मेंबर है कमेटी के वो होंगे फाइनेंस लॉ एंड टेलीकॉम मिनिस्ट्री से भी एक तरीके से इस कमेटी के मेंबर होंगे, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अब हम, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो है प्यारे बच्चों आपका, ये स्क्रीन ऊपर चली जाती है थोड़ी, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करता हूं, हु अमंग द फॉलोइंग has born, question number 13 है प्यारे बच्चों आपका, who among the following born presidential election in Botswana, Botswana में presidential election किसने जीते, ये आपका प्यारे बच्चों 13th question है, ये आपका क्या है 13th question है, और हर एक बच्चा मुझे इसका आंसर देगा, जल्दी से दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए चलिए स्पीड पकड़ लेना प्यारे बच्चों, एवरीवन बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए बेरो चौं जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा इसका, एवरीवन देखिए बेरो चौं, सबसे पहले प्यारे बच्चों जो बोस्तवाना कंट्री है ये क्या है, एक कंट्री है, कहां की कंट्री, इन साउथ अफ्रीका, ये कंट्री कहां पे है, एक तरीके से कंट्री इन साउथ अफ्रीका अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिन्होंने जीते हैं उनका नाम है मॉक माइसिसी, नाम बहुत खतरनाक सा है आप देख लेना, ए बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब ये जो इलेक्शन जीते हैं इनका जो टर्म है कितना है, 5 साल का इनका टर्म है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखेगा हर एक बच्चा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे बात हुई बोस्तवाना की, तो जब भी मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक पढ़ाता हूं, जो भी कंट्री होती है उसमें जो उसकी कैपिटल होती है और जो करेंसी होती है वो पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफकेट का एग्जाम हो तो डायरेक्ट पूछ लिए आते हैं क्वेश्चन। बोस्तवाना की जो कैपिटल है वो है प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा गाबोरोने, ठीक है, करेंसी जो है इसकी है बोस्तवाना पुला, ये इसकी प्यारे बच्चों क्या है करेंसी है, जो आपको पता होनी चाहिए हर एक बच्चे को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हर एक बच्चा दिमाग में रखेगा। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने में शर्माना मत, और दूसरा शेयर जरूर कर देना प्यारे बच्चों, जरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। दीपक पूछ रहे हैं कि सीजीएल और सीडीएस का सिलेबस में डिफरेंस है, देखिए सीजीएल और सीडीएस के सिलेबस में डिफरेंस है, बिल्कुल है डिफरेंस, इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो देखिए सीडीएस और अगर सीजीएल के सिलेबस की मैं डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, एक डिफरेंस आता है रीजनिंग का सीजीएल में, एससीसी सीजीएल की बात करूं तो एक रीजनिंग आपकी आती है उसमें, ठीक है, ये बात मैं क्लियर कर दूं। मैथ जो है सीजीएल और सीडीएस तकरीबन सेम, वही सारा आपने पढ़ना होता है जो सीडीएस में होता है वही आपने सीजीएल में पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा इंग्लिश की बात करूं वो भी तकरीबन सेम, जीके की बात करूं
वो भी सेम, फर्क कहां पे है? सीडीएस की जीके और एसएससी की जीके में लेवल का फर्क है, लेवल समझते हैं। सीडीएस में क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के पूछे जाते हैं, एसएससी में क्वेश्चन एसएससी लेवल के पूछे जाते हैं, यह बात दिमाग में रखिएगा, लेवल का फर्क है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो दिमाग में रखिएगा तकरीबन सेम है, एसएससी सीजीएल में रीजनिंग को आप एडअप कर दीजिए, और एसएससी सीजीएल के लिए मैथ और इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्री हो जाएगा मेंस में आपको मैथ और इंग्लिश ही आएगा, और वो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए, ये बात दिमाग में रखिएगा। लेवल की बात करूं तो मैं सीडीएस के क्वेश्चन के लेवल को अच्छा बोलूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीके, अकॉर्डिंग टू थोड़ा इंग्लिश की अगर बात करें, क्योंकि वो यूपीएससी लेवल है तो उसका लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। चलिए भैया बच्चों आगे देखिए, 14th क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज टॉप इन फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2019 रिलीज इन अक्टूबर 28, 2019। ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, कि क्या आंसर होगा आपका 14 का, जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा। चलिए चलिए क्विक बताइए प्यारे बच्चों, सुनिए प्यारे बच्चों, जो आपका प्यारे बच्चों इसका आंसर है, कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है फाइनेंशियल टाइम मास्टर इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2019 जो अक्टूबर में रिलीज हुआ है, ये डाटा वो है लंडन बिजनेस स्कूल नहीं है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एसटी गैलन। क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ एसटी गैलन। और ये यूनिवर्सिटी कहां की है? ये यूनिवर्सिटी प्यारे बच्चों स्विट्जरलैंड की है। कहां की है? स्विट्जरलैंड की है, यह बात दिमाग में रखिएगा। और इस रैंकिंग में जो इंडिया की यूनिवर्सिटी आई है वो 17th नंबर पे आई है, और वो है IIM कलकत्ता। IIM कलकत्ता जो है इंडिया की 17th नंबर पे है। स्विट्जरलैंड के बाद जो यूनिवर्सिटी है वो है ये फर्स्ट नंबर पे है, तो प्यारे बच्चों ये आपकी सेकंड नंबर पे है, HEC पेरिस, ये बात दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं लंदन बिजनेस स्कूल 3rd नंबर पे है, ये बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा। तो इसका राइट आंसर है जो टॉप किया है जिस यूनिवर्सिटी ने वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एसटी गैलन, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन पे आइए, देखिए प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन आपके सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम इन द कंट्री 189 ईयर हिस्ट्री में कौन अपॉइंटेड हुए फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम, ये आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। अब इसका आंसर सुनिए, इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो है सोफी विलियम्स। क्या है? सोफी विलियम्स इसका राइट आंसर है, दिमाग में रखिएगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर है सोफी विलियम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए? 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कौन हुए, ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से आंसर बता दिए, उम्मीद कर रहा हूं मोस्टली बच्चों को इसका आंसर पता होगा, उम्मीद कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरा बताइए मेरी उम्मीद कितनी सही है, जल्दी से बताइएगा। चलिए प्यारे बच्चों एवरीवन, चलिए चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा इसका, हर एक बच्चा कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, शर्मा क्यों रहे हो कमेंट करते टाइम, शर्माना नहीं है, कमेंट कीजिए हर एक बच्चा। चलिए, कौन अपॉइंटेड हुए 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ये इसका ए जो है वो राइट आंसर है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ए इसका राइट आंसर है। और प्यारे बच्चों आपको एक चीज बता दूं, आज 10:30 PM मैं एक स्पेशल क्लास ले रहा हूं फॉर पर्टिकुलर एफकेट के लिए, जिसमें 300 कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आज 10:30 वहां पे जाना, इस प्रोफाइल में जाना साहिल राणा की, ठीक है, तो वहां पे आप प्यारे बच्चों क्लास अटेंड कर लेना। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं अनअकैडमी प्लस में आने के लिए 10% का ये डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं, स्टडी रेगुलर, दोबारा से लिख रहा हूं, आ जाइए बेशक। एफकेट का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लस में, स्टडी रेगुलर लाइव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है शरद अरविंद बोबडे, दिमाग में रखिएगा प्यारे बच्चों।
जो प्रेस एक तरीके से अगर मैं बात करूं, ठीक है, आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ये जो अपॉइंटमेंट साइन की गई है प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद के द्वारा और जो अपॉइंटेड किए गए हैं 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है शरद अरविंद बोबडे और इससे पहले जो थे वो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उनकी जगह अब वो 46 चीफ जस्टिस थे, अभी जो बने हैं वो बने हैं 47 चीफ जस्टिस हमारे जो हैं शरद अरविंद बोबडे। ये बात दिमाग में रखिएगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस है अच्छे से करने बहुत जरूरी है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। जितने भी मैं जहां पे डिस्कस कर रहा हूं हर एक एमसीक्यू आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं करंट अफेयर की हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी प्लस में चाहे 1 मंथ के लिए आ जाइए, ये वाला कोड यूज कर लेना, 8 मंथ के करंट अफेयर की आपको फाइल्स भी दूंगा, 8 मंथ के करंट अफेयर वहां पे चल भी रहे हैं, लगा लीजिए वो क्लासेस अच्छे से, करंट अफेयर पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 17th क्वेश्चन जो है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, के कौन अगर हम बात करें अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस, जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों कौन अपॉइंटेड हुए हैं चीफ जस्टिस नहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो है, दिमाग में रखिएगा, सुखवीर संधू। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों सुखवीर सिंह संधू। क्या है? सुखवीर सिंह संधू, ये बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। और जो एक तरीके से मैं बात करूं सुखवीर सिंह संधू अभी जो करंटली वर्क कर रहे थे, ठीक है, वो कर रहे थे एडिशनल सेक्रेटरी किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में, और अभी वो अपॉइंट हो गए चीफ ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A renowned personality, Dilip Parikh passed away on 25 October 2019. He was associated with which field? कौन सी फील्ड के साथ ये एसोसिएट करते हैं? ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर जो दिलीप पारिक हैं प्यारे बच्चों वो एसोसिएट करते हैं किसके साथ? पॉलिटिक्स के साथ। किसके साथ? पॉलिटिक्स के साथ। और ये फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात भी रह चुके हैं दिलीप पारिक, जो काफी लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे और अहमदाबाद में ये पास्ड अवे हो गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है प्यारे बच्चों, जो लेटर ऑफ कौन सी स्टेट ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनिसेफ के साथ, जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर उस स्टेट के हर घर में दिया जाएगा, ये क्वेश्चन है। कौन सी स्टेट ने ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनिसेफ के साथ प्यारे बच्चों? इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें उड़ीसा स्टेट के हर घरों में एक साफ पानी दिया जाएगा, ये बात दिमाग में रखेगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों यहां पर यूनिसेफ की बात हो रही है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है प्यारे बच्चों न्यूयॉर्क यूएसए में। कहां पे इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है प्यारे बच्चों न्यूयॉर्क यूएसए में, ये बात दिमाग में रखिएगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया स्टेट इन द कंट्री टू अनेक्ट ए लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कौन सी स्टेट पहली स्टेट कंट्री की बनी है जिसने इनेक्ट किया है लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका या हरियाणा? क्या इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, ये बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है, हर एक बच्चे को। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब जब आपकी फर्दर क्लास होगी, ठीक है, कल आपकी YouTube में FCAT का सेशन होगा जिसमें मैं स्पोर्ट्स की जीके कराऊंगा, और फर्दर उसके बाद डे आफ्टर टुमारो फिर करंट अफेयर की क्लास होगी जिसमें मैं और आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवाऊंगा। अनअकैडमी प्लस में आइए हर एक बच्चा, चाहे 1 मंथ के लिए आ जाइए,
पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा प्रिपरेशन का, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। अगर सीरियस है पढ़ने के लिए पूरे जज्बा है, पूरा पेपर क्लियर करने का, यूनिफॉर्म पहनने का, रैंक लगाने का शोल्डर में, तो आइएगा अनअकैडमी प्लस में। और जहां पे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, पढ़ाता रहूंगा, और भी बहुत सारे सेशन लेके आऊंगा जो पूरा एक जोश भर देंगे पढ़ने के लिए और डिफेंस में जाने के लिए। प्यारे बच्चों मन लगा के पढ़ लो, सीडीएस का पेपर आ चुका है, पूरी जान लगा दो। जो डिफेंस का पेपर आया है वो पहला पेपर है आपका सीडीएस, और पहले पेपर से आपकी शुरुआत होने वाली है। और ये पेपर अगर आप पूरे जोश के साथ पढ़ रहे हैं, क्लियर जो है डेफिनेटली होगा। जोश है तो पूरे होश में पढ़ो। चलिए प्यारे बच्चों, ओवर एंड आउट, जय हिंद प्यारे बच्चों।